हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 1 तारीख यानी कि 1 जून और आज मेरे ससुर जी का बर्थडे भी है। तो इस बार हम सभी ने डिसाइड किया है कि हम लोग जन्मदिन जो है माँ गंगा के पवित्र चरणों यानी कि हरिद्वार में जा कर के मनाएंगे। तो यहाँ पर सबको बाय करते हुए अब बस हम लोग निकल ही रहे हैं घर से और हमने दूसरी टैक्सी बुक करी है क्योंकि लोग ज़्यादा हो रहे थे, तो आराम से हम लोग जाएंगे। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, 1.25 घंटे का रास्ता है। एक घंटे के अंदर अंदर ही हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और आप ये जो राइट हैंड साइड में मूर्ति देख रहे हैं ना शिव भगवान की, इसके आगे हम लोगों ने आज से 15-20 साल पहले बहुत ही शूटिंग करी है, जब सीडीज़ का ज़माना था तो टी सीरीज की काफ़ी शूटिंग हुआ करती थी यहाँ पर। पहुँच गए हम लोग हर की पौड़ी में और मम्मी लोग आ रहे हैं। इसी थोड़ा साइड हो जाओ। और हमको जाना है वहाँ पर, वो रहा देखो ऊपर। बाप रे बाप, यहाँ पर भी बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही थी तो हम लोग वेट कर रहे थे जल्दी से हम लोग अपने होटल में पहुँचे और वहाँ पर अपना सामान वगैरह रख करके फटाफट से गंगा जल में डुबकी लगा लें और बिल्कुल तरोताज़ा हो जाए, ठंडक मिल जाए। तो पता नहीं ये लोग भाई यहाँ पर कैसे बैठे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो ये चीज़ अच्छी थी कि चलो हमारा जो होटल था वो काफ़ी दूर नहीं था, बिल्कुल हर की पौड़ी के सामने ही था। तो यहीं से पैदल पैदल जा करके, क्योंकि यहाँ पर ना गाड़ियाँ जाती नहीं और पार्किंग की बड़ी समस्या है। और ये देखो घाट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, जहाँ नज़र घुमाओगे ना वहीं पे आपको इतनी भीड़ नज़र आएगी। शुरू होते ही खत्म हो गया। ये है हमारा लंच जो हम लोग घर से लेके आए हैं और इसके बाद नीचे खाना है। ऋषि नहीं खाना, ऋषि से जरा चलो होटल से बाहर निकलते ही सामने गौशाला है। तभी गऊ गाय गोबर की वो आ रही है। अच्छा प्राचीन शिव मंदिर भी है यहाँ से अंदर पूरा गली। रुक जा रुक जा। यार गर्मी हो रही है उधर, मत जाओ। मार्केट घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए और उसके बाद आरती अटेंड करेंगे। तो आरती जो होती है वो 7 बजे के बाद होती है, इसलिए हम लोग यहाँ 6 बजे घाट पर पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने जो देखा कि यहाँ पर ना पहले ही लोग गंगा आरती के लिए पहले ही अपनी जगह पर बैठ गए, मतलब जहाँ पर हम लोगों ने सोचा था हम गंगा स्नान करेंगे, जो मेन घाट है ब्रह्मकुंड, वहाँ पर हम लोग स्नान करने के बाद आरती अटेंड करेंगे। लेकिन पहले ही लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, मतलब आरती होने से पहले ही यहाँ से एंट्री होती है गंगा आरती के लिए। तो अभी हम लोग आगे, जो हम लोगों ने सोचा था ना वो नहीं हो पाया, फिर भी जो ये बाकी लोग थे मतलब मेरी फैमिली के बाकी के लोग, इन सब ने स्नान कर दिया सिर्फ सीमा और मुझे छोड़ करके। तो हम लोगों ने सोचा कोई नहीं, हम लोग फिर कल सुबह सुबह स्नान कर लेंगे गंगा स्नान, क्योंकि अभी भी आरती में ना, हम लोग यहाँ 6 बजे पहुँच गए थे तो किसी ने बोला कि अभी आरती में 1.5 घंटा बाकी है तो आप तब तक स्नान कर सकते हो। पर यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी तो मुझे तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, मैंने कहा मैं तो अभी नहीं कर पाऊँगी गंगा स्नान। और यहाँ पर ना सबसे बड़ी चीज़ मुझे माइनस पॉइंट ये लगा कि यहाँ पर वो नहीं था, मतलब चेंजिंग रूम नहीं था। तो मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह ही गंगा स्नान करेंगे। और अभी शाम के टाइम ना मौसम अपने आप बहुत ही अच्छा हो गया था, ठंडा हो गया था मौसम, जैसे दिन में गर्मी हो रही थी ना जब हम आए थे तो वो कहीं ना कहीं हट गई थी और शाम के टाइम मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो गया था। सो यहाँ पर गंगा आरती होने से पहले ये सारी प्रिपरेशन हो रही है
तो मैं अभी आगे जा रही हूँ, क्योंकि जो मैं जैसे कि मैंने बताया कि बाकी लोग जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। तो आप देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे ससुर जी को और सास जी को लेके जा रहे हैं, इन्होंने स्नान कर लिया है, तो ये पीछे जो हम लोगों ने सीट रोकी हुई है ना, वहाँ पर बैठ जाएंगे आरती शुरू होने से पहले। सात बजने ही वाले थे और ये देखो शिव की मूर्ति देखो यहाँ से कितनी दूर दिखाई दे रही है, और आसमान में ना इतने काले बादल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश आने वाली है, तो लेकिन आई नहीं। हम लोगों ने आरती वगैरह सब अटेंड कर ली, उसके बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी, और यहाँ पर बैठ करके बहुत ही आनंद आ रहा था। क्या ही आरती शुरू होने से पहले जितने भी श्रद्धालु मौजूद होते हैं गंगा घाट पर, वो संकल्प लेते हैं, तो हम लोग भी वही कर रहे थे। तो पीछे से जो स्पीकर पे आवाज़ आ रही थी उसी को रिपीट करना था, और उसके बाद अपनी स्थान पर खड़े होकर के, जो जहाँ बैठा रहता वहीं पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके, पीछे से रिकॉर्डेड आरती चलती है, तो आप उसके साथ साथ आरती गा सकते हैं, मतलब आगे नहीं जाने देते जहाँ पर मेन आरती होती है। तो हम लोग दूर से, हम लोग भी दूर से, लेकिन सब दिखता है और अच्छा लगता है। ये दर्शन माता जी ने 511 रुपए का सहयोग माँ गंगा के चरणों में दिया। दीर्घायु करे माता जी, और भैया दर से 511 रुपए का सहयोग गंगा मैया के चरणों में धन्य हो गया। ये 200 रुपए की सेवा भाई साहब ने हैदराबाद से गंगा जी के चरणों में दी। गंगा जी की आरती
आरती करने के बाद हम लोग आ गए हैं रात का खाना खाने के लिए। तो जो हमारा होटल जहाँ पर था उसी के नज़दीक, मतलब उसी के सामने ये पंडित जी पूरी वाले बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट कह लो वो था। अभी नहीं खाली, एक खाली है, चिकन दाल, दाल रोटी। अरे बेटा इतनी जली हुई रोटी, रोटी दे दे, मैं तो आलू पूरी ले रहा हूँ, आलू पूरी। अपने ऊपर छिड़को ना, रात के बज चुके हैं 9:15 और हम लोग सब कुछ खाना पीना खाने के बाद बच्चों को वहीं छोड़ करके और मम्मी लोग के पास हम लोग आ गए हैं यहाँ पर गंगा घाट पे, क्योंकि रात को ना यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब दिन से भी ज़्यादा अच्छा रात को लगता है। तो बस हम लोग यहाँ पर बस पैर डिप कर रखे थे मैंने, तो ये लोग तो ऊपर ही बैठे हुए थे, तो इतना ठंडा पानी कि पैर ही फ्रीज़ हो गए, क्योंकि अभी तक मैंने ना स्नान नहीं किया था, स्नान करूँगी मैं सुबह होते ही। तो रात का मज़ा अलग था, रात को भी लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग थे जो स्नान कर रहे थे। और लेकिन अगर आप इसके पास भी बैठते हो ना सीढ़ियों पे ही, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आपको लगेगी। रात के बज चुके हैं 9 और डिनर करने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर पुलिया पे, और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर खड़े होकर के, क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा लग रही है। अच्छे देख लो, बारिश आ रही है। वापस आना है हम लोगों ने या क्या करना है? नहा करके सीधा ही आना, नाश्ता फिर वहाँ यहाँ से आने के बाद करेंगे, वहाँ यही करेंगे। तो ऋषि को यहाँ पर लेके आओ, इतनी ही भीड़ है। तो यार चाय पी रहे हो, हम लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। हम तुम्हारे लिए वेट, तुम पीछे से आओगे तब तक चाय पी लेते हैं। पी लेते ना चाय, धागे के लिए इससे बात कर, धागा ले इसको।
दादा के केक लगा दिया बर्थडे पंप से। काटो ये तो बड़ी हो गई। कितने